नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे शुक्र के शुभ और अशुभ प्रभाव और उसके उपाय। शुक्र की बात हो तो खुशी की बात ना हो, शुक्र की बात हो तो शादी की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। शुक्र सुंदरता का एक ग्रह माना जाता है, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जितनी भी चीजें हमें देखने में मनमुग्ध कर दे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर दे, उसी को हम शुक्र कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, हम मन के गहराइयों के बारे में जानते हैं, मन के बारे में मस्तिष्क रेखा से। और इसी प्रकार से हृदय रेखा हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में हम जानते हैं हृदय रेखा से। आज हमने शुक्र पर्वत के ऊपर शुभ और अशुभ फल देखते हैं। कहते हैं ना कि सुंदरता का प्रतीक, वैभव का प्रतीक, खुशियों का प्रतीक, घर में हमारे जितने भी वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं वो हमारे शुक्र के ही कला को दिखाती है। कहते हैं ना, शादी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र बहुत मजबूत है, लग्जेरियस लाइफ की आप रिक्वायरमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी चीजों को और अच्छी चीजों को ही पसंद करेंगे अगर शुक्र आपका अच्छा है तो। स्त्री का संपूर्ण साथ मिलता है, सुखों का आनंद मिलता है, लेकिन अगर यही शुक्र कमजोर हो जाए, दब जाए, तो कितनी तरह की परेशानियां डाल देता है। और यह शुक्र का पर्वत अगर कमजोर हो जाता है, दब जाता है, तो ऐसे जातक का विवाह भी बड़ी मुश्किल से होता है। शुक्र को हम लड़कों के शादी के लिए देखते हैं, और गुरु को हम लड़कियों के शादी के लिए विशेष कर देखते हैं। अगर आपके शुक्र के पर्वत की, यह शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत सुंदरता का कारण, मुग्ध कर दे, मन को आकर्षित कर दे, मन को प्रभावित कर दे, शुक्र उसी को कहते हैं। लेकिन अगर ये शुक्र का पर्वत खराब हो जाता है, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर ये शुक्र का पर्वत दब जाता है, आपके अंदर एक तो आकर्षण शक्ति जो आपके देखने पे एक नूर है ना, एक सुंदरता है, वो खत्म कर देता है, और जो आपके अंदर सुशोभित कला के प्रति, ऐसे लोग कला में काफी, एक्टिंग में, डांसिंग में, इन चीजों में, गायकी में, इन चीजों में काफी निपुण होते हैं अगर ये शुक्र का पर्वत अच्छा होता है तो। और ऐसे लोग जीवन में सारे सुखों का अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर यहां पर हम शुभ फल का एक बार देखते हैं क्या प्रभाव डालता है। अगर यहां पर शुक्र के पर्वत के ऊपर एक वर्गाकार बन जाए, ऐसे लोगों का जो विवाह होता है ना, बड़े घराने के साथ होता है। कहते हैं ना कि बड़े अच्छे खानदान के साथ होता है, काफी दान दहेज की भी बात होती है, अच्छे पारिवारिक संबंध की बात होती है। और यहां पर शुक्र के पर्वत के साथ अगर यहां पर एक स्टार बन जाए, ये स्टार यहां पे एक तो कामुकता देता है, लग्जरियस लाइफ को देता है,
लेकिन आकर्षण शक्ति को भी बढ़ा देता है, स्त्री है तो पुरुष की तरफ, पुरुष है तो स्त्री की तरफ झुका देता है, सुख सुविधाएं तो प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। और इसी के ऊपर शुक्र का जो पर्वत होता है, शुक्र के पर्वत के साथ में ये जो हमारी फिंगर है और इसी के ऊपर बड़ी साइन बन जाए, बड़ी साइन का मतलब क्या बन जाए, यहां पर दीप बन जाए, बड़ा दीप बने, ये बड़ा दीप, ये बड़ा दीप, ये आपके बच्चों के सुखों को बताता है। या यहां पर खड़ी लाइनें आ जाए, ये बड़ी बड़ी लाइनें बच्चों का संकेत बताता है, छोटी लाइन बच्चियों के संकेत का बताता है। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत को दर्शाता है हमारे शुक्र के पर्वत के ऊपर ही। और यहां पर अब हम बात करते हैं थोड़े से नेगेटिव फल की बात, जो बुरा असर दिखाता है। शुक्र का पर्वत दबा हो और इसी को पर एक तिल बन जाए, ये तिल बन जाए काले रंग का, एक तो पति पत्नी में संबंध को बेकार करता है, खराब कर देता है, और दूसरा स्त्री है तो पुरुष की तरफ और पुरुष है स्त्री की तरफ बदनामी की तरफ ले जाता है। जीवन में एक बार अवश्य बदनामी के दौर पे जाते हैं ऐसे लोग। और यहां पर नीले रंग का हो जाए धब्बा सा, नीले रंग का, ये नीले रंग का धब्बा हो जाए, ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं नामर्दगी, या तो कह सकते हैं कि उनके अंदर के जो इंटरनल पार्ट होता है वीक होता है, कमजोर होता है, और उनको जैसे कि सफेद पानी आना, मासिक धर्म में अनेक तरह की प्रॉब्लम आना, इस चीज को दर्शाता है। ये सारी शुक्र के अशुभ फल को दर्शाता है, इसको हम गुप्त रोग भी कह सकते हैं। और इसी के साथ अगर ये जितना बड़ा ये हमारा शुक्र का ये घेरा होगा, जिसको नीले रंग का अगर बोलते हैं, तो ये लंबी बीमारियों को भी जन्म दे देता है, ऐसे लोगों को समय पर इलाज करना चाहिए। और इसी के साथ हम शुक्र के थोड़े से उपाय आपको बताते हैं, अगर आप अपने जीवन काल में इस उपाय को करते हैं तो काफी बेहतर लाइफ महसूस करेंगे और शुक्र के सुखों का आनंद प्राप्त करेंगे। कहते हैं जो शुक्र के देवता है, वैसे तो शुक्राचार्य ही होते हैं, दैत्य गुरु हैं, लेकिन इनके जो इष्ट देव हैं मां लक्ष्मी हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है मां की। और कहते हैं कि अगर स्त्रियों का आप सम्मान करते हैं, मान आदर करते हैं, तो तब भी शुक्र की जो गर्मियां होती है वो बढ़ जाती है। और अपने खाने से कुछ खाना, ग्रास जिसको हम बोलते हैं, खाने से गाय को, कुत्ते को, कौवे को दान करना या खिलाना, तभी शुक्र के प्रभाव को कम कर देता है। और अगर आप शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं, शुक्र के बुरे दोषों को समाप्त कर देता है। और इसी प्रकार से जब भी शुक्र आपका कमजोर हो, खराब हो, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इत्र वाले सुगंधित कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए, शुक्र मजबूत हो जाता है। खराब की स्त्री खराब की बेहतरी को ठीक कर देता है। अगर हो सके तो आपको शुक्रवार का दिन व्रत भी कर लेना चाहिए, शुक्र के दोष को खत्म करता है। जैसे कि आप शुक्र वाली चीजों को दान भी कर सकते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, इन चीजों को दान करके और ये इन चीजों का सेवन करके भी आप
सुख के फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं अगर रत्नों को धारण करते हैं तो हीरा करते हैं, उसी का सब रतन है, जरकन भी आप धारण कर सकते हैं। इसी के उपाय से आप लाइफ पे बेहतर जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।